Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गरीबों का दर्द देखने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष। इटावा जनपद के गांव भदमा सावरान पहुंचे सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना ने जाना गरीबों का दर्द और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें, जनपद इटावा में आज भी एक ऐसा गांव है जहां विकासों से कोसों दूर है। गरीब नर्क की जिंदगी जीने पर मजबूर है। गरीबों को उत्तर प्रदेश सरकार कई योजनाओं देने की बात कर रही है। आज गरीब बेसारा गांव के लोग ठंड के कहर में झोपड़ी में रहकर खुले आसमान में जीवन यापन करते दिखाई दे रहे हैं। आखिर ग्राम प्रधान ने इन गरीबों तक सरकारी सुविधाओं से वंचित कैसे छोड़ दिया? गांव में महिलाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना को अपना दर्द बयां किया। ग्राम में सरकारी हैंडपंप तक की सुविधा ग्राम ने नहीं कराई। इसके कारण गांव की महिलाएं आज भी गंदे नाले में नहाकर जीवन काट रही हैं। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी गरीब आंसुओं की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। देखिए, जनपद इटावा के भदमा सावधान में मैं गांव में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जन समस्याओं को समझने के लिए, जनता के हालात जानने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वप्रिय समाज पार्टी के इस गांव में आज मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आखिर जिस तरीके से आज आप गांव में समस्याओं को सुनने पहुंचे हैं, तो कहने की जनता के बीच में आप मौजूद हैं, तो क्या जनता की ऐसी समस्याएं देखने को मिली जो आपके सामने हैं? हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि हम आज इस गांव में आए हुए हैं और देखा है कि कहीं ना कहीं ये गांव हमारा इतना पिछड़ा हुआ है। जो यहाँ के हमारे माताएं हैं और हमारे कुछ भाई हम उम्र के भी हैं, हमारे बुजुर्ग के पिता के समान जो हैं, मैंने देखा है कि यहाँ अधिकतर अपनी ही पीड़ा से संबंधित हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई शासन द्वारा अभी तक लाभ नहीं दिया, चाहे वो लैट्रिन से संबंधित हो या खरंजा से संबंधित हो, पानी से, चाहे वो आवास से संबंधित। मैंने यहाँ जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उस मुलाकात में उन लोगों से ये अनुशासन भी दिया है और ये कहा भी है कि मैं आपकी ये सीधी सीधी बात जो आप लोगों के शब्दों में जो आज हमारे पास आई है, उस शब्द को लेकर मैं सीधे डीएम या सीओडी साहब से मिलकर ये आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे और प्रयास ये भी करेंगे, अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो उससे भी ऊंचे अधिकारियों को ये बात पहुंचाकर आपके काम कराने का हम प्रयास करेंगे। यह जनपद इटावा में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये गांव दयनीय स्थिति में आज है। कहीं ना कहीं देखी जा रहा है कि जिस तरीके सरकार जो सुविधाएं देती है, तो आज भी ये गांव वंचित दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है नेताजी, आज इस गांव में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जनपद इटावा की जो दयनीय जो गाँव माना जा रहा है, तो क्या लगता है जनता क्या कहती है, विकास क्यों नहीं पहुँचा यहाँ तक? ये तो सरकार के वादे हैं, सरकार यहाँ तक भेजती है नहीं भेजती है, संबंधित जो वहाँ के मुआफी चाह रहे हैं या पहुँच रही है, ये तो तभी विषय होगा जब हम इन आवाज को वहां तक ले जाकर इनकी पीड़ा को दूर कर पाएंगे। और ये स्वयं सब लोग यहां से चलकर, अगर हमें इनकी आवश्यकता पड़े कि इनकी आवाज को, हमारी आवाज में ताकत मिली, तो हम इनको डीएम के सामने या विकास खंड अधिकारी के सामने इनको रखकर इनकी आवाज को इतना उन्नत देंगे कि ये अपना काम स्वयं कर सकें और अधिकारी से करवा सकें। देखिए, ये थे हमारे सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना जी, आज इस गांव में पहुंचे जहां जनता की काफी समस्याएं थी, उनको समस्याओं को सुनकर एक भरोसा दिलाया। आपका बबली गांव का नाम? गांव रसूलाबाद। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या का है, ये है जो बीता जा रहा है इसी में, या रहने बगले में ही है। ये वर्षा होती है तो बाहर बैठते हैं बच्चों को लेकर, कहीं इसके घर में कहीं उसी के घर में, और जी है ना। शौचालय मिला है आपको? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। प्रधान से भी कहा है, प्रधान सुनता नहीं है। आपने कहा नहीं कि हम अपने बच्चे को खुले में लेके बैठते हैं? मुझे कहते हैं पर वो सुनता ही नहीं है। वो कह देता है इसमें होगा और इस महीने में होगा, अगले महीने में होगा, यही बोलता है। तो यहाँ कोई आपकी समस्या कोई अधिकारी सुनने आया है? नहीं आया है, कोई नहीं आया है गांव में। तो बरसों से आप इसी झोपड़ी में अपने गुजर कर रही है? हाँ। तो सरकार की जो सुविधाएं सरकार दे रही है, आप लोगों तक पहुँची अभी तक की नहीं? अभी तो नहीं पता है। कोई सुविधा नहीं है, पानी के लिए नल भी नहीं है, दूसरे घर से पानी भरते हैं। समस्या तो सब ही है, गरीब आदमी कोई खेती नहीं, टुकड़िया नहीं, सब किसान आदमी तो अपने पेट पाल रहे हैं, बच्चा पाल रहे हैं, मलाइया नहीं, झोपड़ी उठा ली उसके मारे आवास नहीं मिल रहा, क्या तुम्हें जाके मारे आवास नहीं मिले। अब
बताओ कहाँ में कैसे गुजर हुए हमारी आप... लड़की की शादी है, मैं बैठे फोन लाएंगे लेकर। तो आपने ग्राम प्रधान से कहा मुझे आवाज दिया जाए? ग्राम प्रधान कोई नहीं सुनता, हम तो खूब कहा देंगे, हमने हेड पंप की बात बोली तरफ लड़े और गए भाई। तो शौचालय मिला आपको? शौचालय सीधी मोसा जगह कि अपना मकान बेच के खेत बेच के हम तो तुम्हें वो बनवा देना लगवा दे के नारवा देखे उससे कोई मतलब जाति का कोई बाउंडेशन देख लो जाए मतलब का स्थिति ना खेत हमने की घर मराई जाए कोई ना बेच हमें सारा नारवा मिले ताल फरी मिले उसी में पानी पिए क्या करे जो नहीं है बच्चा भी आप लोगों के लिए पानी की सुविधाएं नहीं बच्चा भी बताओ नारे आपकी समस्या साहब हमें सारी जिंदगी हो गई कभी आवास नहीं मिला और हमें मौका देख लिया जाए कि हम आवास लाए हैं कि नहीं। तो आपने ग्राम प्रधान से बोला है? प्रधान से बोला है, प्रधान आज के कल कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही करते हैं। शौचालय दिया गया? शौचालय आपको? शौचालय नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। समस्या साहब कुछ नहीं, हमारे पास ना ही मकान है और ना ही लेटरिंग, कुछ नहीं है हमारे पास साहब। और कोई जब अधिकारी कोई आते हैं तो कोई नहीं सुनाई देता है, और क्या नाम हमारे पास कुछ नहीं है, छप्पड़ पड़ा हुआ है, मकान है नहीं। अच्छा, कौन सा आपका अधिकारी आपकी समस्या सुनने आया, कोई आया कभी? अभी तक तो साफ आया नहीं, हमारे बाबा पर बाबा की सबकी उम्र निकल गई, कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपने ग्राम प्रधान को अवगत कराया है कि मुझे आवाज दिया जाए? साफ आते हैं, देख जाते हैं, पर सुनाई कोई नहीं करता है। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाहते हैं साहब के हमको कॉलोनी वगैरह मिले और शौचालय मिले। बेडेक सब तैयारी है, का कर अरे गल्ला लेके आए हम नहीं गद हम सब तैयार है। एक लोगों को सौंप देना, सौंप जितने लोगों में आए सबकी पूरे कागज होगा नहीं। श्री देवी, ये कौन से गांव का है? रसूलाबाद। रसूलाबाद में है आप? मायके में रह रहे हैं। मायके में रह रही हो? बच्चे अच्छे नहीं है? हाँ, एक एक लला है, तो बड़ो नेक्स्ट है। तो अब यही आपका रहने का आवास है? बस यही है। आपने सरकार से कोई अबे कोई आवास कॉलोनी नहीं मिली आपको? अबे कुछ नहीं मिली मोई। आवेदन किया था आपने? हाँ हाँ, लिखी है स्कूल में लेकिन मिला नहीं है।